हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज हीरोडिन जीन इंसर्टेड इन ब्रासिका नेपर्स वाज सिंथेसाइज्ड केमिकली और ऑब्टेन फ्रॉम लीच और ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थुरिजियंसिस और ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीरोडिन जीन ये जो जीन है वो ब्रासिका नेपर्स में इंसर्ट किया गया था और उसके बारे में चार ऑप्शन में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं इनमें से कोई एक सही है सो स्टार्ट द डिस्कशन जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है हिरुडिन सबसे पहले जानेंगे कि ये हिरुडिन क्या है ये हिरुडिन बेसिकली एक पेप्टाइड होते हैं और ये नेचुरली ऑकरिंग है ये कहाँ पे रहता है ये रहता है ब्लड साकिंग जो लीचेस होते हैं ये लीचेस का सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड में ये पाए जाते हैं और ये जो पेप्टाइड है इसका एक अनोखा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ब्लड एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी इसमें रहता है सो so ये है एक ब्लड एंटी कोगुलेंट इसके हिसाब से ये काम करता है सो so ये बेसिकली ब्रासिका नेपस मतलब जो रेप सीड है ये बेसिकली ये एक ब्राइट येलो फ्लावरिंग प्लांट होता है ये नेपस ये ये होते हैं ब्रासिकाने और कैबेज फैमिली का एक मेंबर है सो so, ये जो जो प्लांट है इसके अंदर ये जो हीरोडिन जीन है उसके वजह से ये हीरोडिन जो पेप्टाइड है जो प्रोटीन है ये ब्लड एंटी कोआगुलेंट की तरह ये काम करता है बेसिकली जब ब्लड क्लॉट होता है तब क्या होता है मतलब नॉर्मली जो ब्लड कोआगुलेशन होता है वहां पे क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजेन रहता है ये जो फाइब्रिनोजेन है ये फाइब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रीन में और ये ये जो प्रोसेस है इसमें एक एंजाइम मदद करता है जो एंजाइम का नाम है थ्रोम्बिन यहाँ पे ये यह जो थ्रोम्बिन एंजाइम है ये मदद करता है फिर क्या होता है ये जो फाइब्रिन है ये फाइब्रिन क्या हो जाते हैं ये फाइब्रिन क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं क्रॉस लिंक्ड ये फाइब्रिन क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं एक फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर की मदद से और ये क्रॉस लिंक्ड होके ही क्या फॉर्म करता है ब्लड क्लॉट अब एक प्रिंसिपल इनहिबिटर होता है थ्रोम्बिन का जो नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो है एंटी जो थ्रोम्बिन का काम को इनहिबिट करता है अब ये जो हीरोडिन है मतलब ब्लड एंटी है ये वो एंटी की तरह काम करता है सो so, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंटी थ्रोम्बिन ये एक एंटी थ्रोम्बिन की तरह काम करता है और ये क्या करता है ये जो थ्रोम्बिन का जो एक्टिविटी है इसको इनहिबिट कर देता है सो so, ये जो हीरोडिन है ये थ्रोम्बिन के ऊपर डायरेक्टली काम करता है मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट एक्शन डायरेक्ट एक्शन ऑन थ्रोम्बिन ये थ्रोमिन के ऊपर डायरेक्टली काम करता है सो so, ब्रासिका नेपस ये जो प्लांट है यहाँ पे जो हीरोडिन जीन इंसर्ट किया जाता है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कौन सा टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इसको सिंथेसाइज किया जाता है और वो भी केमिकली सो so, यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन ए सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक